ग्रेजुएट हलके के मसाइल को मुनासिब अंदाज में हल करने और इनकी फलाह व बहबूद के लिए कुणाल गौतम खैरात का मुंतखब होना इंतहाई ज़रूरी है। माजी में कई मरतबा जो उम्मीदवार मराठवाड़ा डिवीज़न ग्रेजुएट इलेक्शन में जीत कर आए थे, क्या उन्होंने ग्रेजुएट अफराद के मसाइल को मुनासिब अंदाज में हल भी किया है, ये भी देखना होगा। इन ख्यालात का इजहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार खादरी ने अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर किया। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद करते हुए रास्ते तौर पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुस्लिम व दलित लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो अपने घराने शाही को जिंदा रखने के लिए दलित और मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए कई तरह के मंसूबे बनाने में मसरूफ है। वाजह हो के महाराष्ट्र विधान परिषद के मुनक़िद हो रहे इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हिस्सा ले रही है। मारूफ तालीमी शख्सियत कुणाल गौतम खैरात को मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के लिए मजलिस का उम्मीदवार बनाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार खादरी, रियासती जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, नायब जिला सदर मोहम्मद रब्बानी भाई, शहर सदर साबिर चौश, शहर सेक्रेटरी कलीम रमजानी, सेक्रेटरी एस के अहमद, मिर्जा नवाब बेग, शेख सिकंदर, सोहेल पटेल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। अशोक चौहान जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं ऐसा खाबिर आदमी जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज बन सके। अगर प्रकाश अम्बेडकर जी पार्लियामेंट में होते तो अवेसी साहब की जैसा आवाज है। ये तुम्हारे नांदेड़ के नेता की कागजस्तानी है, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि प्रकाश भाई को अकोला में हिदायत पटेल के माध्यम से, और उसके आगे सुनो ना, उसको हिंदू मुसलमान की जब बता दिया उन्होंने वहां पे, प्रकाश भाई की अहलिया उससे कह रही थी के कुछ धार्मिक लोगों को पैसे दे दिया के काम पे रहते। अब तुम्हारे पास कैसा करते वो, जब इंतखाबात आते ना तो सब मौलानाओं को जमा कर दिया। अशोक चौहान बात में पूछते भी नहीं, ये मौलाना को बुलाते, वो मौलाना को बुलाते, मीटिंग करते, खाना खिलाते, बिरयानी करते, इफ्तार टोपी पहन के आ जाते, सलाम अलैकुम बोल देते, बगा ये साजिशों से बचना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके हम सब एक होकर ताकत से काम कर सकेंगे। ये तो आपका सेंटर है जी, एपिसेंटर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकुलर फोर्सेस, उसका सेंटर बना हुआ है, उसका गुरु घंटा तुम्हारा अशोक चौहान है भाई। सर नांदेड़ में ईमान को अशोक चौहान ने लाया ऐसी चर्चा, ऐसे आरोपी होते हैं जी। चर्चा तो ये है कि कांग्रेसी भी किसी मकान में कुछ हो जाए तो अवेसी ने किया वो चर्चा से भी आपको इत्तेफाक हो तो कीजिए। क्या होता है, कांग्रेस के अभी बिहार में हार गई, कांग्रेसी के मकान में कुछ हो गया, भैंस ने दूध नहीं दी, अंडा नहीं दिया मुर्गी ने, तो बोलते असदुद्दीन अवैसी ने किया। ये भी चर्चा है कि अभी भाई के मुझे सुन रहा हूँ मैं, मुझे अच्छा दिखा कि भाई कुछ कुछ नई बातें भी सुननी आती, मैं साहब को भी शेयर करूंगा साहब, ये भी एक चर्चा का विषय है। पूरे प्रचार दौर में हमारे साथ में हमारे जो जिम्मेदार हैं, जितने भी परभणी हो, नांदेड़ हो, जालना हो, उस्मानाबाद हो, हिंगोली हो, औरंगाबाद हो, बीड हो, ये सभी जिले के जिम्मेदार हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, ये टीम वर्क का काम होता है। ये इलेक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मराठवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग लड़ रहे, तो हमारे पास पूरे टीम वर्क होने की वजह से हमको ये इलेक्शन आसान भी जा रहा है। और हमें यही मानना है कि लोग हमें हमारे काम की वजह से वोट देंगे, मुझे भी मेरा भी काम देखेंगे, हमारे पार्टी का भी काम देखेंगे, और ये पूरा काम देख के ये हमारे को वोट होने वाला है। हमारे एजेंडा में हमने, आप देखिए कि हमने पदवीधरों को जो बेरोजगार पदवीधर है उनको हमने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। डी एड बी एड पीएचडी नेट से इनकी जो भर्ती है, प्राध्यापक भर्ती, वो भी करनी चाहिए, इसकी मांग की है। अगर आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हर जिले में है, पर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के जरिए किसको नौकरी मिलती है क्या? आज आप देखेंगे प्राइवेट जो कंसल्टेंसी जो जॉब दे रही है वो सब बंद करके पूरा सेंट्रलाइज एक प्रोग्राम बना के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू ही सबको जॉब मिले, ये हमारी मांग।